साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तो। लोग उन्हें पागल कहते हैं, पर ऐसा कहना नहीं चाहिए कि निकाह के बाद जैसे ही हसन मियां वो खड़े, नाती पोते घुस जावे तो गाली दे चिल्लावे। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और मैं आपका दो शैलेश उठा गया हूँ ये कहने के लिए कि भाई ये जो महफिल है ये कमाल की महफिल, ये महफिल जो अद्भुत है, अद्वितीय है, ये महफिल जो है वो अनमोल है, अनुपम है, इस महफिल जैसा कुछ है नहीं। हिंदुस्तानी टेलीविजन पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो शायद आप देखना ना चाहें लेकिन देखनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप देखना चाहते हैं लेकिन देखने को नहीं मिलती। यही है वो शो जिसका नाम है वाह भाई वाह, क्योंकि ये कविता और शायरी की ऐसी महफिल है जो दिल से बात करती है, ये सिर्फ आपके कानों तक स्वर पहुंचाने का काम नहीं करती, आपके दिल तक संवेदनाएं पहुंचाने का काम करती है। और जिंदगी में उससे महत्वपूर्ण कुछ होता नहीं है। वैसे संवेदनाएं कई किस्म की होती है, अब अलग अलग किस्म की संवेदनाएं होती है। जैसे जब आदमी का संवेदनात्मक स्तर जब है थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए तो आदमी ऊंचा नीचा हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो फिर उन्हें इलाज के लिए भर्ती करना पड़ता है। हालांकि लोग उन्हें पागल कहते हैं, पर ऐसा कहना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि ये एक बीमारी मात्र है। शरीर को जैसे बीमारी होती है, मस्तिष्क भी शरीर का एक अंग है और हो सकता है, लेकिन उनका इलाज करते हैं। पर लोग तो है ना, मानते कहाँ हैं। एक चला गया और वहां जाके उनके डॉक्टर को पूछने लगा कि साहब कैसे पता करते हो कि आपके इसका ठीक है कि नहीं है, कोई तरीका है? अच्छा, डॉक्टर साहब वैसे ही उससे बड़े परेशान थे, बड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की कोशिश कर रहा था वो। नहीं, हम कर लेते हैं पता। नहीं नहीं, बताइए ना कैसे पता करते हैं आप, बताइए सर। अरे भाई कर लेते हैं बात, नहीं जरा विस्तार से समझाइए कैसे करते हैं। बोले हम एक काम करते हैं, हम एक बाथटब को पूरा पानी से भर देते हैं, फिर एक बाल्टी देते हैं, एक चम्मच देते हैं और एक मग देते हैं और कहते हैं इसे खाली करो, तो उससे पता लगा लेते हैं कि आदमी ठीक है या नहीं। तो बोला हाँ समझ में आ गया, जो ठीक होगा वो सीधा बाल्टी से लेकर उसे खाली करेगा, क्योंकि बाल्टी सबसे बड़ी होती है, चम्मच से कब तक खाली करेगा। बोले नहीं, जो ठीक होगा वो प्लग निकाल के जो नीचे होता है ड्रेन का वो एक सेकंड में खाली कर, इनको 39 नंबर पे लेटाओ, लेके जाओ। हमारे हम सब काम करना जानते हैं, 140 करोड़ लोगों का देश अलग अलग प्रतिभाओं से भरा पड़ा, लेकिन 140 करोड़ लोगों के देश में कविता की प्रतिभा बहुत कम लोगों के पास है, और उनमें से भी ऐसे जो छोटे छोटे गांव में बसते हैं जिन्हें आवश्यकता है कि उन्हें रोशनी मिले, उन्हें प्रकाश मिले, उन्हें आलोक मिले, उन्हें आसमान मिले, उन्हें एक दौड़ मिले, लेकिन कोई तो चाहिए कि उन्हें वहां से निकाल के यहां तक लेके आए। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया और हम उन्हें ढूंढ ढूंढ के आपके बीच में लेके आ रहे हैं। एक मध्य प्रदेश में सीहोर जिले में बुधनी तहसील है और वहां के गाँव में रहते हैं, बोरना गाँव में, उनका नाम है संदीप मदन गुरु। यू औरैया उत्तर प्रदेश की रहने वाली, लेकिन रहती शिवपुरी मध्य प्रदेश में, इन दिनों दिल्ली में यूपीएससी यानी आईएएस आईपीएस बनने की तैयारी कर रही है। नाम है उसका मनु वैशाली। और तीसरे हमारे ये बाबा आदम के जमाने के सुरेंद्र सुकुमार, इस देश के एक ऐसे व्यंग कवि हैं जिनका नाम इस देश के कवि सम्मेलन का श्रोता बरसों से जानता है। मैं सुरेंद्र सुकुमार को व्यक्तिगत रूप से कई दशकों से जानता हूं, और इसलिए जानता हूं क्योंकि इनकी कविताएं में एक खास रस होता है, इनकी कविताएं कथ्यात्मक होती है, कहानी चलती है वैसी कविताएं चलती है। और सुरेंद्र सुकुमार के अन्य बहुत सारे गुण हैं जिनका यहां जिक्र करना उचित नहीं होगा। ये अलीगढ़ से हमारे बीच में आते हैं सुरेंद्र सुकुमार। सुरेंद्र सुकुमार को सुनना एक अनुभव है, लेकिन उनको सुनने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और जब ध्यान देंगे और समझ में आएगा तो आप कहेंगे भी वाह क्या बात है। जोरदार तालियों के साथ सुरेंद्र सुकुमार। एक कविता सुनाने से पहले मैं एक सत्य घटना एक कहानी सुना रहा हूं जी। हुआ ये कि एक शहर से एक बारात गई एक कस्बे में, नाश्ता वास्ता हुआ,
फिर तैयारी वैयारी होने लगी, लोग कपड़े वपड़े पहनने लगे, बाहर बैंड बाजे बजने लगे धर्मशाला के, सब बैंकट हॉल नहीं हुआ करते थे। तो लड़की का बाप आया अचानक रात के 11 बजे करीब, तो बोले दूल्हे को देख के बोला कि भाई ये क्या कर रखा है आपने, आप तो सूट पहने, हम तो परंपरावादी लोग हैं, ट्रेडिशनल लोग हैं, हमारे यहाँ तो धोती पहन के फेरे डाले जाते हैं। अब धोती कहाँ से आए, बाजार भी बंद, धोती सब तो पूछिए धोती कोई नहीं। तो एक दोस्त खड़ा था पास में, देखो बोले भैया धोती तो मेरे पास एक है, मैं उसे लुंगी के तरीके से रात में पहनने के लिए लाया था, तुम चाहो तो अपनी शादी निपटा लो। मरता क्या चाहे, एक आंख मैंने मुहावरे को बदला है, मुहावरा ये है कि मरता चाहे दो आंख, अंधा दो आंख क्यों चाहेगा, अंधा के लिए तो झिरी भी खुल जाए वो ही काफी है। सही बात है। अब कुछ लोग जैसे आते हैं गांव वाले कि भाई दूल्हा कौन सा है, दूल्हा कौन सा है, तो दोस्त पास में ही खड़ा था, बोले दूल्हा तो यही है पर धोती मेरी है। अब वो बहुत नाराज, बोले क्या बदतमीजी है, इसे कहने की क्या जरूरत थी, अब मत कहना ये, बोले नहीं कहेंगे। फिर कुछ देर बाद लोग एक बार दूल्हा कौन सा है, दूल्हा कौन सा है, दोस्त ने कहा दूल्हा तो यही है धोती मेरी नहीं है। अब दूल्हा तो और भी नाराज, बोले फिर वही बात, तो बात तो अर्थ तो वही हुआ, बोले ये बात तुम नहीं कहोगे, तो बोले अच्छा नहीं कहूंगा। फिर कुछ देर बाद लोग आए कि भाई दूल्हा कौन सा है, दूल्हा कौन सा, दोस्त पास में ही खड़ा था, बोले दूल्हा तो यही है और धोती भी नहीं की है। अब तो दूल्हा बहुत ही नाराज, बोले मैं धोती उतार दूंगा, तो बोले धोती उतार दोगे तो शादी नहीं हो पाएगी, तो बोले तुम अपने पिताजी की कसम खाओगे, इस विषय में कुछ नहीं कहोगे, बोले ठीक है मैं अपने पिताजी की कसम खाता हूँ। अब फिर कुछ देर बाद लोग आए भाई दूल्हा कौन सा है, दूल्हा कौन सा है, तो दोस्त ने कहा कि दूल्हा तो यही है, रही धोती की बात, उस विषय में मैं कुछ इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं पिताजी की चौकट। मैं अपने बाप की कसम खा चुका हूँ। हाँ, मैं अपने बाप की कसम खा चुका हूँ, उस विषय में कुछ नहीं कहूँ। अब मेरी कविता शुरू होती है शीर्षक है हसन का पजामा। अच्छा, अब बात धोती की है और वो पजामा है, पर धोती और पजामे में कोई खास अंतर नहीं है, एक पीछे से खुलती है एक आगे से खुलता है, बस एकदम आतंक काम दोनों का एक ही है। कुछ घटनाएं तवारीख बन जाती हैं। तवारीख मतलब इतिहास। तवारीख यानी कि इतिहास, इतिहास यानी कि कहानी। कहानी के नाम पर हमें कहानी याद आ रही है कुछ मिनटों की, लीजिए हम आपको सुनाएं। एक दफा एक शहर में एक हसन मियां रहते थे, शहर वाले उन्हें वो शहर वालों को सहते थे, अल्लाह के फजल से किसी तरह अपने ही शहर में हसन मियां का ब्याह हुआ, घटना इतिहास बनी ऐसा निकाह हुआ। हुआ ये कि निकाह के बाद जैसे ही हसन मियां वो खड़े, शहर वाले लोग हंस पड़े, बेचारों के साथ हादसा हो गया था, निकाह के बाद हसन मियां तो खड़े हो गए थे, पजामा नीचे रह गया। भीड़ थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, हसन मियां को देखती और हंसे चली जा रही थी। हसन मियां मारे शर्म के जमीन में गड़ गए, बहुत ही उलझन में पड़ गए, इज्जत के मारे ऐसे घबराए कि शहर ही छोड़ आए। पर रात के अंधेरे में उन्हें अपना शहर बहुत याद आता, आंखों से पानी निकल आता। 12 वर्ष बाद ये सोच कर कि चर्चाएं थम गई होंगी, लोग भूल गए होंगे, रात के अंधेरे में अपने ही शहर में आए। देखें आजकल क्या चर्चा चल रही है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। एक दरवाजे के आगे कान लगाए, बेटी माँ से पूछ रही थी मम्मी मेरी उम्र कितनी होगी, माँ ने कहा 12 साल, बेटी ने कहा नहीं नहीं 11 साल, माँ ने कहा नहीं 12 साल, अरे तू उसी साल तो पैदा हुई थी जिस साल हसन का पजामा खोला। बहुत अच्छे सुरेंद्र भाई, वाह वाह। हसन मियाँ तो आम आदमी थे, आम आदमी के आचरण अलग होते हैं, खास तो खास होते हैं। हसन का पजामा खुला और शहर पर हंस पड़ा, और आज इस देश में बड़े बड़े नेताओं की धोती खुल रही है पर कोई हलचल नहीं हो रही है। क्या बात है, अब भी समय है चेत जाओ, इन अंधों के हाथों से बटेर को बचाओ, इन गुंडों के हाथों से देश को बचाओ। क्या
पुराने मित्र हैं, उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मित्रता का ये भाव हमारा बड़ा पुराना है। लेकिन अपने अस्वस्थ होने के बावजूद वो यहाँ आए और इस महफिल की इन्होंने रोशनी बढ़ा दी, आपने महफिल में जान डाल दी सुरेंद्र जी, क्या बात है। और हिंदुस्तान में नई नई डिवाइस, नए नए आविष्कार आते रहते हैं। पिछले दिनों एक शब्द बड़ा चर्चा में आया, मैं खुद नहीं बोलना चाहूँगा, उसे संदीप मदन गुरु अपने गीत में बोलेंगे, और मेरे ख्याल से इस विषय पे पहला गीत जो है वो मैंने यही सुना है। जोरदार तालियों के साथ संदीप मदन गुरु। सर्वप्रथम तो मैं हम नवोदित कवियों के स्वर्णिम भविष्य के सारथी सम्माननीय शैलेश भाई साहब को नमन करूंगा, और जिनका ज्वलंत दृष्टांत मैं स्वयं यहाँ पर हूँ। जो मात्र 300 आबादी का मेरा गांव है, बोरना करके नाम है उस गांव का, जो आज वहाँ से लाकर इन्होंने मुझे यहाँ पर मुंबई में ला के खड़ा कर दिया है, तो मैं इनके इस कृतित्व के लिए पुनः नमन करता हूँ। एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि गांव स्वच्छ रहे और यहाँ के लोग स्वस्थ रहे, इसलिए हमारे देश की सरकार ने गांव में घर घर शौचालय बनवाए भाई साहब। पर यहाँ के ग्रामीणों ने शौचालय का किस प्रकार दुरुपयोग किया, क्या क्या घटनाएं हुई और उन्हें शौचालय बनने से क्या हानि हुई, वो मैं गीत के माध्यम से रखना चाहता हूँ। क्या विषय लाए हो यार, कि शौचालय नहीं ये तो जी का जाल हो गई, शौचालय नहीं ये तो जी का जाल हो गई, ओ जी का जाल हो गई रे जंजाल हो गई, ओ जी का जाल हो गई रे जंजाल हो गई, घर का मुखिया शौचालय पे अपना हक जमावे, नाती पोते घुस जा विषय की नवीनता के लिए तुम्हें बधाई देना चाहता हूं। 300 की आबादी का गांव और जो तुम देखते होंगे अपने आसपास, तुमने उसी को अपने गीत में रचा। शायद लोग कुछ नाक भौं सिकोड़े कि भाई ये कौन सा विषय हुआ कविता पढ़ने का, हो सकता है लोग कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी, कह सकते हैं, लेकिन जिंदगी से कविता है तो वही निकलेगी जो हमारे आसपास होगा। लेकिन संदीप मदन गुरु ने एक अनूठे विषय में कविता सुना, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये हमारा ग्राम्य जीवन है, ये हमारा भारत है, ये हमारे आसपास के लोग, जो गांव में 70% भारत वहीं बसता है, जो आप गांव से आए, जो हम आसपास के, मैं गांव में पला बड़ा लड़का हूं तो मैं जानता हूं कि जिंदगी क्या होती है गांव में। तो आपने उस विषय को निकाला, ये अद्भुत है, मैं आपके लिए इसको बधाई देना चाहता हूं आपको।
महफिल में सुरेंद्र सुकुमार और संदीप मनु गुरु ने कमाल कर दिया। और अब बारी उस लौकी की जिसकी उम्र कुल जमा 22 साल है, लेकिन कविताओं में उसकी अद्भुत रुचि है। उसकी मासूमियत जो उसके चेहरे में है वो उसकी कविताओं में नहीं है, उसकी कविताओं में गंभीरता है। और मासूम चेहरे के साथ मनु वैशाली की गंभीर कविताएं तो हम सुनेंगे। आज कुछ खूबसूरत छंद लेके वो हमारे लिए आई है। मनु वैशाली, बहुत आभार सर हम जैसी एकदम नई कलम को यहाँ स्थान देने के लिए। क्योंकि मेरा ये यहाँ काव्य पाठ है, मैं अपने आराध्य को पहले एक क्षण समर्पित करती हूँ, फिर शुरू करती हूँ कि सुनिएगा कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणि तो, कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणि तो जानती है रुक्मणि कि कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के, वो युद्ध जीत जाएंगे। और जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से, तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे ये जानती है द्रौपदी पुकारती कि कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण आए। आए हाए, वाह वाह वाह, अरे बहुत बढ़िया मनु, बहुत अच्छे। कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण आएंगे। सामने बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां हम उम्र मेरी दोस्त बैठी हुई हैं। लड़कियां आईलाइनर लगाती हैं, मैं बात वहीं से शुरू करती हूँ, सुनिएगा। नैनन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार कर मोहिनी। हाय हाय, वाह वाह मनु, वाह। एक नायिका है मोहिनी, उसके श्रृंगार का वर्णन है, कैसे करती हूँ सुनिएगा। कि नैनन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। मुस्काए मंद मंद, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनुहार करे मोहिनी। लड़कियां प्रेम में ऐसी ही होती हैं कि मुस्काए मंद मंद, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनुहार करे मोहिनी। देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल, जाने कौन बात पे विचार करे मोहिनी। और बिसरानी सुध बुध, खोई खड़ी ऐसने की, करके श्रृंगार बार बार करे मोहिनी। उंगली लपेट लट करे अठ खेलिया तो, रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। और चटकीली चितवन चंचला चकोरी सी, की चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी। आए, 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 बाह में समेट के जो चुनरी झटक दे तो, टुकड़े सितारन हजार करे मोहिनी। रूप रंग अंग अंग, देखो ऐसे ढंग भंग, दुनिया भरे के दरबार करे मोहिनी। रूप और मेरा और लड़कियों के मन का ये छंद सुनिएगा कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो, बस एक नजर देख ले कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो, जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। आए, आए। बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन से ही, झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। झूठी मूठी तकरार करे मोहिनी। आए, आए। पंक्तियां सुनना कि मगन हो मोहन पे, ऐसे ही करती हैं लड़कियां कि मगन हो मोहन पे, मोहन को मोहने के, बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी। जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली है कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे शिवपुरी आज कहेगा कि हमारी बेटी देखो कितनी मोहब्बत, कितना सम्मान जीत के आई है। और मुझे इस बात की खुशी है, ये तालियां जो है मैं उस ईश्वर के आशीर्वाद के लिए बजा रहा हूँ जिन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया कि मैं आप लोगों को देख सकूँ, ढूंढ सकूँ, खोज सकूँ और यहाँ ला सकूँ। ये स्वर्ण मुद्राओं को खोजने की तरह है, मुझे और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की तालियां, आप लोगों का प्यार, कैमरे के उस पार जो लोग घरों में बैठे हैं उनकी मोहब्बत हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। मोहब्बत महसूस करने के लिए आपका मिलना आवश्यक नहीं है, मोहब्बत महसूस करने के लिए आपका नज़दीक होना आवश्यक नहीं है,
मोहब्बत महसूस करने के लिए आपको एक दूसरे को देखना आवश्यक नहीं है। ये मोहब्बत की जो लहर होती है ना, ये चल के कब पहुंच जाती है कि पता ही नहीं चलता। और आपकी मोहब्बतें हम तक पहुंच रही है, बस ये मोहब्बत यूं ही बनाए रखिए। और मैं तो आपकी मोहब्बत में वैसे ही गिरफ्तार हूँ, रोज आऊंगा और कहता रहूंगा वाह भाई वाह। आइए